यूवी वाटर कूलर की इंस्टॉलेशन। यूवी वाटर कूलर को इंस्टॉल करने से पहले कृपया इन बातों का ख्याल रखें। यूवी वाटर कूलर इंस्टॉलेशन से पहले कृपया निम्न बातों पर ध्यान दें। एक, इंस्टॉलेशन की सतह सपाट और मजबूत होना चाहिए। दो, सुनिश्चित करें कि कूलर हवादार क्षेत्र में इंस्टॉल हो। तीन, ताजे पानी के लिए एक नल होना चाहिए जहां पानी के इनपुट को जोड़ा जा सके। चार, ड्रेन ट्रे के पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन आउटलेट होना चाहिए। पांच, इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट लीटर क्षमता के अनुसार और ग्राउंडेड होना चाहिए। छह, सुनिश्चित करें कि पावर सॉकेट में अर्थिंग होना चाहिए। सात, यदि वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है तो हम मॉडल के अनुसार स्टेबलाइजर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। आठ, कृपया 6 PSI से 30 PSI के बीच पानी का दबाव सुनिश्चित करें। मशीन को अनपैक करें। यूवी किट की जांच करें और इसको कूलर में फिट करने से पहले असेंबल करें। इस कूलर में दो आउटलेट नल हैं, जिसमें से एक प्यूरिफाइड ठंडा पानी मिलेगा और एक में प्यूरिफाइड नॉर्मल पानी मिलेगा। यूवी किट को कूलर में फिक्स करें। स्क्रीन पर दिए गए विवरण के अनुसार बिजली की आपूर्ति और अर्थिंग को चेक करें और फिर मशीन को पावर सप्लाई में प्लग इन करें। LED का रंग और व्यवहार विभिन्न कार्य क्षमताओं और त्रुटियों को दर्शाता है। चलिए इन्हें देखते हैं। मशीन ऑन करने पे रेड लाइट जलेगी और एक लाइट ऑरेंज कलर में जलेगी, इसका मतलब प्रोसेस ऑन है। जब पानी टैंक में भरना शुरू होगा तो ये ऑरेंज LED ग्रीन हो जाएगी और ब्लिंक करने लगेगी, जबकि टंकी फुल होने पर यह सॉलिड ग्रीन कलर में जलेगी। यदि मशीन में फिल्टर चोक होने पर या पानी का प्रेशर कम होने पर या फिर इनपुट पानी सप्लाई बंद होने पर टंकी फुल वाली LED ऑरेंज कलर में ब्लिंक करने लगेगी और यूवी लैंप या PCB खराब होने पर यह LED सॉलिड रेड कलर में जलेगी।